क्या बतलाया है कि निरंतर अभ्यास करते रहने से मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार निरंतर यही मनन, यही निदिध्यासन जिसका बना हुआ है, तो उसका चित्त संकल्प किसमें विलय हो जाते हैं? ब्रह्म में ही विलय हो जाते हैं। क्योंकि आपका जो मन है चित्त, वो जिस जिस वस्तु को विषय करता है, चिंतन करता है, तदाकार हो जाता है, हाँ? क्या होता है? तदाकार रूप धारण कर लेता है, हुँ? जैसे घटाकार, मठाकार, देहाकार, हैं? अंतःकरण आकार, हुँ? प्राण मन बुद्धि के आकार में, और ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप जान करके क्या हो जाता है? ब्रह्माकार ही हो जाता है, उसमें ही विलय हो जाता है, उसमें क्या होता है? चित्त वृत्ति उसमें ही ठहर जाती है। तो ऐसी जो विकल्प रहित समाधि है उसको वह अनुभव करता है, और ऐसी समाधि के द्वारा संपूर्ण जो वासना है ना, जो क्या है, चित्त में अनंत वासना है, जो इस जीव की दुर्गति का मूल है, ये वासना वासित चित्त, इसको कर्म फल भोगार्थ यहां से वहां, वहां से यहां पटकता रहता है। जिस प्रकार वायु बादलों को यहां से वहां ले जाती है, और तीव्र वायु हो तो वायु के थपेड़े बादल को छिन्न भिन्न कर देते हैं, जैसे गीता जी में कहा ना, छिन्ना ब्रह्मिव नश्यति। अर्जुन पूछता है ना कि जो आत्म चिंतन करते करते, श्रवण करते हुए, मनन करते हुए और निदिध्यासन करते हुए शरीर छूट गया, लेकिन अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ, क्या होता है उसका, हैं? उसका किया धरा सब व्यर्थ हो जाता है क्या? क्या वो छिन्न बादल के समान नष्ट हो जाता है क्या? जैसे शरद ऋतु में मेघ को तीव्र वायु क्या कर देती है? टुकड़े टुकड़े कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। तो इसी प्रकार से वह साधक भी नष्ट हो जाता है क्या, उसका किया हुआ? तो कहते नहीं, नहीं, कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, सन्मार्ग पर चला है, उपासना आदि किए हैं, उनका किया हुआ भी व्यर्थ नहीं जाता है। और इसने तो क्या किया है, समस्त आसक्ति छोड़कर देहे गेहे आदि से ऊपर उठकर निरंतर अपने चित्त को ब्रह्माकार रूप बनाया है, निरंतर ब्रह्म चिंतन किया है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्म, सोहम् शिवोहम् सच्चिदानंदोहम्। इस प्रकार से जिसने चिंतन किया है तो वो नष्ट नहीं होता है। तो क्या करती है ये समाधि कि मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से चित्त की स्थिति रूप जो विकल्प वर्जित समाधि है,
इसके द्वारा समस्त वासना ग्रंथिर विनाश, वासनाओं की संपूर्ण ग्रंथियों का नाश हो जाता है। ये वासना ही बीज है, वासना फिर तद अनु का तद अनुसार ही चिंतन और उस चिंतन अनुरूप ही कर्म है? वासना अनुरूप इच्छा चिंतन यत्न ये सब चलता रहता है। यही क्या होता है, यही चलता रहता है, चल रहा है, कभी न रुकने वाला चक्र चल रहा है। और उस चक्र कहो, उस चक्की कहो, उसमें ये जीव पीस रहा है, पीस रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर अनुकूलता होवे, जिसको जो सर्दी से ठिठुर रहा है वो सोचता है इससे तो श्रेष्ठ मर जाना है। सर्दी से निरंतर ठिठुर रहा है, हाथ पैर कटे जा रहे हैं, सुन्न पड़ रहे हैं, तो क्या सोचता है, इससे तो मर जाना श्रेष्ठ है। जन्म लेना संसार तो दुख ही दुख है, क्या चिंतन है उसका, दुख ही दुख है। जन्म लेना संसार शरीर क्या है, दुख ही दुख। एक कंबल में बैठा है, गरम गरम क्या दूध पराठे खा रहा है, खूब अच्छे रिजाई में बैठा हुआ है, वो सोचता है कि जीवन तो क्या है, बड़ा ही सुख है, शांति है, ऐसा ही बना रहे, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। भगवान को भी पाके क्या करना और मुक्ति को भी पाके क्या करना, बस सब कुछ क्या बना रहे, ऐसा ही बना रहे। वो ऐसा सोचता है, विचारवान नहीं है ना। विचारवान हो वे तो जानेगा ये भी सब रहने वाला तो नहीं है, ये भी जिस प्रकार प्रतिकूलता नहीं रहती है ऐसी अनुकूलता भी सदा रहने वाली नहीं है। सब कुछ बीत जाने वाला है, यहाँ पर व्यतीत हो रहा है, बीत ही रहा है, सामने आता है और चला जाता है, जैसे दिन रात होते रहते हैं। पृथ्वी का भाग सूर्य के अभिमुख होता है और फिर क्या होता है, फिर पृष्ठ में हो जाता है, घूमता रहता है स्वाभाविक रूप से, तो दिन रात होते रहते हैं। इसी प्रकार से ये क्या है, सुख दुख संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि मान अपमान आदि सब क्या है, चलते रहते हैं, आते रहते जाते, आगमा पाई ना, आने जाने वाले। अच्छा जी, इसलिए क्या करो, ये वासनाओं का क्या करो, अशेष रूप से क्षय हो जाए। कैसे होगा, मैं ब्रह्म हूं यही निश्चय और यही अनुभव जब दृढ़ होता है, पक्का होता है, तो आपका चित्त क्या होता है, तदाकार हो जाता है। क्या होता है, तदाकार होता है, तो आत्माकार ही हो जाता है, आत्मा ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। और ये वासना ग्रंथि नाश हो गया तो संपूर्ण कर्म बंधन का भी नाश हो गया, और अंदर बाहर सर्वत्र सर्वदा स्वरूप विस्फुति अयत्नतः स्यात्। मैं ब्रह्म हूं ऐसी स्वाभाविक बिना यत्न के क्या बनी रहती है, स्फुति बनी रहती है। जैसे अज्ञान काल में मैं शरीर हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं पुरुष स्त्री हूं, मैं बच्चा जवान हूं, इस प्रकार की बिना यतन के ही क्या बनी रहती है, स्फूर्ति बनी रहती है।
ऐसा बोध ऐसा अनुभव बिना यत्न के बना। वैसे ही जिसने इतना पुरुषार्थ करके प्रथम रोज रोज बताते ही है, प्रथम से शुरू कर देते हैं। प्रथम क्या किया है, संपूर्ण दृश्य की असारता मिथ्यात्व अनुभव करके, और ये जो देह इंद्रिया प्राण अंतःकरण है उपाधि, इनका ये सब जड़ दृश्य है, ये मैं नहीं हूं, मैं इनसे भिन्न इनका साक्षी चेतन आत्मा हूं, ऐसा जिसने पुरुषार्थ किया, चिंतन किया और यही निश्चय मैं ब्रह्म हूं, और यही अनुभव मैं ब्रह्म हूं, तो ऐसा पुरुषार्थ किया है तो अब स्वाभाविक रूप से क्या बनी रहेगी, स्वाभाविक रूप से अपने स्वरूप की अनुभूति स्फूर्ति बनी रहेगी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं, और मैं क्या हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं इंद्रिया प्राण हूं, ना मैं जीव हूं, मैं तो चेतन हूं, मैं ब्रह्म सर्व साक्षी हूं, एक ही तो हूं, बाकी सबका सब जो देखा सुना छुआ सबका सब जड़ है, सबका सब जड़ है, मेरे अतिरिक्त सब क्या है, सब जड़, सब दृश्य, सब विकारी, सब अनात्मा, सब सीमित, सब नश्वर, मैं केवल साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म, ऐसी बिना यत्न के स्फूर्ति बनी रहती है। परिश्रम बहुत किया है ना, क्या किया, कोई व्यक्ति धनी है तो क्या किया है उसने, परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया है, बहुत तपस्या की है, बड़ा पुरुषार्थ किया है, सारे जो सुविधा है उनको छोड़ करके मेहनत की है, तब जा करके धन प्राप्ति हुई है। वैसे ही यहाँ पर तो कितना परिश्रम किया है, विपरीत दिशा में, एक गंगा की प्रवाह की दिशा में तैर रहा है, तैर रहा है, क्या कर रहा है, तैर रहा है, तैर जरूर रहा है, हैं? लेकिन कहाँ पहुंच रहा है, नीचे नीचे जाता जा रहा है, और एक व्यक्ति ने क्या किया है, धारा के विपरीत तैरने का प्रयत्न किया और तैरा और आगे बढ़ा, और जो इसका निर्गमन स्थान है वहां पर पहुंच गया, है ना, तो आपका चित्त जो है धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, विषय वस्तु प्राप्ति, ये तो उसके लिए क्या है, ये प्रवाह ही है, अनादि काल से प्रवाह बह रहा है इसमें, लेकिन धारा के विपरीत ये संपूर्ण दृश्य सुख रूप मानता था, है क्या वास्तव में, दुख रूप, इसको सत्य मानता था, है क्या वास्तव में, मिथ्या ही है, मरुभूमि में भासने वाले जल के सदृश ही है, प्रतीत हो रहे हैं लेकिन है नहीं, और वैसे इस देह को इंद्रिया प्राण अंतःकरण को मैं मेरे मानता था, ये मैं मेरे नहीं ये सब अनात्मा, ये तो सब जड़ है, मैं चेतन हूं, तो इस प्रकार से तप किया है, चिंतन किया है, पुरुषार्थ किया है, तभी अब निश्चिंत निर्भय निर्वैर निर्द्वंद्व रूप से अद्वितीय ब्रह्म की ही स्फूर्ति उसको बनी रहती है कि मैं अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। तो ये तो हो गया है, अब आप लोग
365वां श्लोक देखिए और आपको क्या बता रहे हैं पुरुषार्थ बताया ना अभी कि उसने क्या किया, तप किया है, तो उसी के लिए बतलाते हैं। आगे देखो, श्रुते शतगुणं विद्यान् मननम् मननादपि निदिध्यासं लक्षगुणा मनन्तं निर्विकल्पकम्। श्रुते शतगुणं विद्यात् मननम् मननाद् अपि निदिध्यासं लक्षगुणं अनन्तं निर्विकल्पकम्। श्रुतेः शतगुणं मननं विद्यात्। श्रवण क्या करते हैं? श्रवण। श्रवण भी जो विवेकी है वही करते हैं। इस विद्या का श्रवण की रुचि और इसकी सुलभता सबको नहीं है, सबको नहीं प्राप्त है। जो विवेकी है, विचारवान है, जिज्ञासु है, वही क्या है, उनको भी अत्यंत यत्न से सुलभ हो पाता है और सुलभ होने के पश्चात श्रवण में प्रीति का होना, श्रवण में प्रीति का होना। प्रीति नहीं होती है और चीजों में, प्रीति होती है। क्या सुने? संगीत सुने, कीर्तन आदि सुने, इस विद्या के श्रवण में प्रीति सबको नहीं होती है ना। तो प्रथम तो जो श्रवण है ना, ये श्रवण ही दुर्लभ है और इस श्रवण में प्रीति वो और दुर्लभ है। लेकिन कह रहे हैं कि आप थोड़े विवेकी हैं, वैराग्यवान है, जिज्ञासु है, इसीलिए आपको क्या है, श्रवण सुलभ भी है। बहुत मूल्यवान साधक के लिए श्रवण का बड़ा मूल्य है, बड़ा महत्व है। लेकिन सावधान कर रहे हैं कि बहुत से लोग हैं वो क्या होते हैं, केवल श्रवण तक ही सीमित रह जाते हैं। क्या होते हैं? केवल सुनना, सुनने से ही क्या होते हैं, बस यूं जो भ्रम भय संशय दूर होते हैं और शांति आती चली जाती है और उसको ही मानसिक समाधान है, इसको ही क्या समझते हैं, परम शांति समझ लेते हैं, इसको ही हाँ अपने आत्मा का अनुभव समझ लेते हैं। तो सावधान कर रहे हैं, श्रवण से शतगुणं मननम विद्या, श्रवण से मनन करना 100 गुना क्या है, श्रेष्ठ है। केवल श्रवण से मनन करना क्या है, 100 गुना श्रेष्ठ। मनन जरूर करना चाहिए। श्रवणम कृतम न तथा मननम कृतम, श्रवण तो किया और मनन नहीं किया, श्रवण किया और मनन नहीं। भोजन तो बनाया, भोजन खाया नहीं, तो भूख दूर होगी? भोजन किस लिए बनाया था? भूख दूर करने के लिए, खाने के लिए बनाया था ना, भूख मिटाने के लिए। लेकिन किया क्या, केवल भोजन बना करके रख दिया है, सामने सूंघ रहा है और कि इससे क्या हो जाए, मेरी भूख मिट जाए, तो ऐसे नहीं होगा ना।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा चबा चबा करके। वो क्या हुआ, मनन हुआ। वो क्या है, मनन है। और उस भोजन का पच जाना क्या है, वो निधिध्यास। वो भोजन का क्या हो जाए, परिपाक हो जाए पेट में, ये क्या है, ये निधिध्यासन है। तो देखो क्या कहा है, केवल श्रवण से मनन 100 गुना श्रेष्ठ है। मननादपि निधिध्यासम लक्ष गुणम, और मनन से भी निधिध्यासन करना 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है। श्रवण से मनन 100 गुना श्रेष्ठ है, और मनन से निधिध्यासन 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है। श्रवण ही नहीं करते वे तो संसारी है अभागे, श्रवण करते हैं भाग्यशाली। क्या इस ज्ञान का श्रवण करते हैं क्या है, भाग्यशाली। श्रवण करके जो मनन करते हैं वो उससे 100 गुने भाग्यशाली। बहुत से लोग हैं श्रवण भी कर लेंगे और मनन भी कर लेते हैं यथाशक्ति, लेकिन निधिध्यासन नहीं कर पाते। निधिध्यासन का मतलब क्या है, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह, एक वृत्ति निरंतर बनी रहे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन हूं, साक्षी हूं, निरंतर ये वृत्ति बनी रहे, देखते हुए भी, सुनते हुए भी, चलते हुए भी, बैठते हुए भी, खाते हुए भी, नहाते हुए भी, हर क्षण क्या बनी रहे, ये वृत्ति बनी रहे कि मैं चेतन ब्रह्म। समझ आ रहा है, तो ये कौन करेगा, जो गंभीर साधक होगा, जो तीव्र वैराग्यवान और तीव्र मुमुक्षु है वही तो यहां तक पुरुषार्थ करेगा, और जो साधारण वैराग्य वाले साधारण मुमुक्षु है वो श्रवण में ही संतुष्ट हो जाते हैं। उससे अधिक जो थोड़े और अधिक वैराग्यवान है, थोड़े और अधिक मुमुक्षु है, वे मनन तक संतुष्ट हो जाते हैं। और निधिध्यासन करने का जो सामर्थ्य है ना, बल, वो सब में नहीं हो, क्योंकि उससे आपके हाथ से दृश्य छुटने लग जाता है। क्या होता है, क्योंकि जब वृत्ति, अब वृत्ति क्या विषय कर रही है, केवल ब्रह्म को विषय कर रही है कि मैं ब्रह्म हूं, तो जब आपका मन यही विषय कर रहा है तो और चीजें क्या हो रही है, सबकी विस्मृति हो गई, सब छूट रही है। ऐसा साहस जुटा पाना कम से कम जो मंद वैराग्य वाले जो रागी है उनके लिए तो कठिन है, अत्यंत कठिन है। तो वो निधिध्यासन जो करते हैं वो क्या होने चाहिए, वही कर सकते हैं जो तीव्र वैराग्यवान है, तीव्र मुमुक्षु, वही क्या करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। और तत्व प्राप्ति अनुभूति की के पथ पर जो आगे बढ़ रहा है, तत्व प्राप्ति अनुभूति के पथ पर जिसको आगे बढ़ना है,
उसके लिए तो श्रवण के अनंतर मनन आवश्यक है, मनन के अनंतर निदिध्यासन परम आवश्यक है। क्या है? इसीलिए बोल दिया है मननादपि निदिध्यासम लक्ष्य गुणम, मनन से भी निदिध्यासन तो लाख गुना श्रेष्ठ है। क्या है? लाख गुना श्रेष्ठ। अनंतम निर्विकल्पकम, और क्या कहा है? वृत्ति का स्वाभाविक रूप से तन्निष्ठ हो जाना, तदरूप हो जाना, तदभाव भावित हो जाना, इसको क्या कहा था? निर्विकल्प समाधि कहा था। तो निर्विकल्प समाधि को क्या बोला है? अनंतम। ये निदिध्यासन से अनंत गुना श्रेष्ठ। कितनी है बताइए अवस्था? चार होगी ना, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और तत्व का अपरोक्ष अनुभव। क्या बताया? श्रवण, मनन, निदिध्यासन और तत्व अनुभूति कहो और निर्विकल्प समाधि, उसमें आपका चित्त क्या हो गया? तदरूप हो गया। क्या हुआ? तदरूप। ब्रह्माकार वृत्ति बनाई है, थोड़ा अभ्यास किया है ना। प्रथम क्या किया? अभ्यास किया, चिंतन किया, तो ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म। लेकिन अभ्यास इतना परिपक्व हुआ कि अब स्वाभाविक रूप से क्या हो गया? अपने स्वरूप का एक बार अनुभव हो गया, अनुभूति हो गई, तो अब चित्त तदरूप हो गया, सब दृश्य द्वैत मिलय हो गए। सब क्या हुआ? सब संपूर्ण द्वैत दृश्य क्या हो गया? विलय। तो चार बतला दिए, पहले भी चार बताए थे, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। किसी साधारण साधक से पूछोगे तो क्या कहेगा? कि मुझ में चारों है, हा? लेकिन जिसमें ये चारों होंगे तो उसमें आगे वाले भी होंगे ही। ठीक ठीक विवेक होना, संपूर्ण दृश्य से वैराग्य होना, फिर सट संपत्ति तो स्वाभाविक ही है। ये संपूर्ण दृश्य से वैराग्य है तो क्या है? सट संपत्ति स्वाभाविक, और वैराग्य है इसीलिए तीव्र मुमुक्षुता है। विवेक के आश्रित हुआ ना सब। सब किसके आश्रित? विवेक। यदि विवेक सही सही है तो वैराग्य तो होगा ही होगा, वैराग्य होगा तो षट संपत्ति होगी ही होगी। विवेक होगा, वैराग्य होगा, षट संपत्ति होगी तो क्या? मुमुक्षुता होगी ही होगी। फिर वो श्रवण के बिना बैठ पाएगा क्या? प्यासा व्यक्ति आंख बंद करके ध्यान करेगा, क्या करेगा? तो प्यास बुझाने का प्रयास करेगा, यानी भागदौड़ करेगा ना। तो जो तीव्र मुमुक्षु है उसको तो क्या चाहिए? श्रवण चाहिए ही। क्या चाहिए? और श्रवण के अनंतर वो मनन करेगा ही करेगा, मनन के अनंतर निदिध्यासन होगा ही होगा, करेगा ही करेगा, और निधि ध्यासन के अनंतर
तत्व की अनुभूति से पूर्व उसका चित्त शांत होने वाला नहीं है। आठ साधन हैं, कितने हैं? आठ बता दिए, ज्यादा तो नहीं है, 18 तो नहीं है, या 800 नहीं है, बाकी तो आप लोग बहुत कुछ रखते हो, आठ बात भी नहीं रखते, छोटी सी बात है, फिर आपको बता ही दिया है वो तो, बाद में तो इतनी सी बात याद रखनी है कि मैं तो चेतन साक्षी आत्मा हूँ, निरंतर संपूर्ण जड़ का साक्षी दृष्टा, एकम एव चेतन, बाकी सब जड़, एकम एव चेतन में और बाकी सब जड़ है। तो क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है विवेकी वैराग्यवान के लिए, और जो विवेकी वैराग्यवान नहीं है उनके लिए कठिनाई कठिनाई है, उनके लिए क्या है? कठिनाई ही कठिनाई। स्पष्ट हुआ? श्रवण बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति में आया है, सर्वणायापि बहुवीर्यो न लभ्यः श्रृणवन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः, आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धः आश्चर्योज्ञाता कुशलानुशिष्टः। सर्वणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः। प्रथम तो कहते हैं श्रवण ही दुर्लभ है, श्रवण ही सबको नहीं मिलता, मिलता है क्या? श्रवण ही सबको नहीं मिलता, और श्रवण मिलने के पश्चात भी बहवा यमन विद्यु, सुनते तो है लेकिन इस आत्म तत्व को नहीं जान पाते, आत्म तत्व को नहीं जान पाते। श्रणवंतोपि बहवा यम न विद्यु, सुनते हुए भी नहीं जान पाते, क्यों? आश्चर्यो वक्ता, इसको जो कहने वाला है वो कैसा होना चाहिए? आश्चर्य रूप होना चाहिए। रागी होगा, लोभी होगा, मोही होगा, कामी क्रोधी अहंकारी होगा, तो क्या तो सारी दुनिया ही है, क्या है? सारी दुनिया ही है, जिसमें ये सब न हो तो वो क्या है? हाँ, अलग है। क्या बोलते हैं? अलग है, ये अलग है, और नहीं तो बाकी दुनिया क्या है? आशा तृष्णा विविध वासना लोकेशना आदि चित्त में डेरा जमाए हुए, तो ऐसा ब्रह्म विद्या का उपदेशक यदि हो वे तो ही तो कुछ आगे क्या होगा? आगे जिज्ञासु बढ़ेगा, अन्यथा देखे गुरुजी भी हमारे जैसे ही है, ठीक काम चल रहा है, गुरुजी सुना देते हैं, हम सुन लेते हैं, गुरुजी का भी, गुरुजी को भी हलवा खिला देते हैं, हम भी खा लेते हैं, बाकी तो बढ़िया चल रहा है ना, खूब आनंद है, नहीं? तो ऐसे नहीं, कैसा हो? वक्ता आश्चर्य रूप, जिसकी इस जगत दृश्य में सत्यत्व बुद्धि ना हो, प्रीति राग नहीं है, वही क्या है? वही आश्चर्य वक्ता है, वही आश्चर्य रूप है ना, कि महाराज आप बड़े आश्चर्य रूप हैं। ऐसे संत के दर्शन क्या है? परम शोभा, परम सौभाग्य। समस्त वासना आसक्ति लोभ मोह स्वार्थ से रहित जिसका चित्त है, उनके बराबर
अवधूत कोई मिलेगा क्या? नहीं। वो क्या है? अच्छे से धुला हुआ। अवधूत माने साफ, अच्छे से जो साफ सुथरा है, ऐसा बेदाग। क्या? ऐसा बेदाग, ऐसा अंजन कालिमा रहित, ऐसा श्वेत धवल, इतना बढ़िया साफ सुथरा धुला हुआ कोई मिलेगा? उसको क्या कहते हैं? अवधूत। अवधुनोति पापानी इति अवधूत। अवधूत का मतलब यानी कपड़े है? कपड़े उतार दिए तो क्या है? अवधूत है। और कपड़े पहन लिए तो महाराज किस बात के अवधूत? अवधुनोति पापानी इति अवधूता। अपने ऊपर चिपके हुए संपूर्ण पापों को जिसने धो डाला हो उसको क्या कहेंगे? अवधूत। और मैं जीव हूं ये पाप है, मैं शरीर हूं ये पाप है, ये सब दाग है। और मैं ये जो विषय है, दृश्य है, प्रशंसा है, प्रसिद्धि है, यश कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, ये सब के सब सुख सार है, ऐसी बुद्धि क्या है? ये दाग है, यही पाप है। इन सबको जिसने क्या किया है? धो डाला है, सबको धो डाला है। और ये निर्भ्रांत संशय रहित अपरोक्ष जिसको बोध है कि मैं ब्रह्म हूं, चेतन सच्चिदानंद, वो क्या है? अवधूत। उससे बराबर धुला हुआ कोई है? कि धोया तो है धोबी ने, लेकिन ठीक से नहीं धोया, दाग लगे हुए। क्या लगे हैं? दाग लगे। लेकिन जब देखा कि क्या किया है, पूरा बढ़िया से धो दिया है, क्या हो गया? अब कुछ नहीं रहा कोई भी दाग, ना मैं, ना मेरे, ना ममता, ना अहमता, ना जीवत्व, सबके सब दाग हटा दिए। और बस यही सच्चिदानंद ब्रह्म में वो अवधूत है। और ऐसा जो वक्ता है वो क्या है? आश्चर्य रूप है, आश्चर्य दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। ऐसे महात्माओं का संग सानिध्य बड़ा ही दुर्लभ है। और फिर क्या बताया? आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्टः। और जो अनुशिष्टः, जो श्रोता शिष्य जिज्ञासु है, वो भी क्या होना चाहिए? कुशल होना चाहिए। कुशल का मतलब क्या है? संसार में रह रहा है लेकिन कहीं पर भी जिसका कोई राग नहीं, नहीं। कोई तो कुशल है ना? कुशल कौन है? कोई राग। संसार शरीर में रहते हुए और गुरु शुश्रूषा आदि शरीर निर्वाह के लिए भी व्यवहार करते हुए जिसकी दृश्य पदार्थ में कोई सुख बुद्धि प्रीति राग नहीं है, वह जो जिज्ञासु है वो क्या है? कुशल है, समझदार है ना, बुद्धिमान है। जिसको गीता जी में कह दिया योगः कर्मसु कौशलम्। योग क्या है? कर्म में कुशलता ही योग है। तो वहां पर अलग चीज है। कर्म में कुशलता का मतलब वहां पर क्या बतलाया है? फलाशक्ति न होना और कर्तृत्व अभिमान न होना। कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान रहित तो होकर जो कर्म किया जाता है वो कुशलता है। क्यों? बाकी तो एक कर्म ऐसे है कि जो चिपक ही जाते हैं। कर्मों का फल पाप या पुण्य चिपक जाएगा ना, चिपकता ही है। लेकिन जो कर्ता भोक्ता भाव रहित तो होकर कर्म करता है, उसको कर्म फल चाहे पाप हो चाहे पुण्य, वो चिपकते नहीं है, है ना? ये बात है, यही कुशलता। क्यों? क्योंकि जान लिया है कर्तापना भोक्तापना मुझ में नहीं है, ये तो प्रकृति के गुण ही गुण बरत रहे हैं। अब ये कर्म हुआ किसके द्वारा हुआ? शरीर के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? इंद्रियों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? अंतःकरण के द्वारा हुआ। मैं कहां? अलग हूं,
साक्षी चेतन हूं मैं तो। तो जब कर ये भाव जब रहेगा कि मैं करता नहीं हूं, किसको रहेगा? जो जानता है कि मैं तो चेतन, मैं तो साक्षी हूं, तो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव नहीं आएगा, तो ज्ञान हो गया ना। तो ऐसे ज्ञान से युक्त होकर जो कर्म किया जाता है वो बंधन का हेतु नहीं बनता है। और जो जीव भाव में आके और शरीर आदि भावों में आके जो कर्म किया जाए, अच्छे से अच्छा कर्म भी किया जाए, वो कर्म क्या है? बांधता ही है। तो यही कुशलता है। तो यहां पर कुशलता क्या बताइए शिष्य के लिए? राग जिसका गलित हो गया, ऐसा जो जिज्ञासु है अर्थात वैराग्यवान, तीव्र वैराग्यवान श्रोता ही वास्तव में इस तत्व को हृदयंगम कर पाने में समर्थ हो सकता है, आत्मसात अनुभव कर पाने में समर्थ हो सकता है। तो ये स्पष्ट हो गया है। केवल श्रवण से मनन करना 100 गुना श्रेष्ठ है। मनन से निधिध्यासन, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार वृत्ति बनी रहे, इसी का नाम निधिध्यासन है। तो निधिध्यासन 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है। और इस निधिध्यासन से भी जो निर्विकल्प समाधि है, जो अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव है, वो क्या है? अनंत गुना श्रेष्ठ। यात्रा पूरी हो गई, यात्रा महापूरी हुई, यात्रा महापूरी पूरी हुई। अब चित्त मेरा शांत है, अब शांत शांत क्या ये बेचारा क्या हो गया? डूब गया। जैसे गर्मी में कोई तड़प रहा हो और प्रतीक्षा कर रहा है, गाड़ी में बैठा है, गंगा जी पहुंच जाओ जल्दी से जल्दी, और फिर वो गंगा जी मिल जाए ना तो ऐसे कूदता है फिर वो निकलना नहीं चाहते। वैसे ही आपका चित्त भी खूब बेचारा धक्के खा चुका था। सब जगह क्या मिले थे? ठोकरें मिली थी। सब जगह क्या मिला था? थोड़ा वो सुख मिला तो दुख मिश्रित। लेकिन अब अपनी आत्म सिंधु में जा करके डूब जाता है, निकलना नहीं, निकलना नहीं। तो ये निर्विकल्प जो समाधि है, मैं ब्रह्म हूं ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव, ये अनंत गुना श्रेष्ठ बतला। तो क्या शिक्षा मिली है? केवल श्रवण मात्र में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, केवल मनन मात्र में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? निधिध्यासन करो। क्या करो? निधिध्यासन। आप होंगे महाराज जी करने तो निर्विकल्प समाधि है, वो इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो बाद की बात है, और श्रवण तो हो ही रहा है और यत किंचित मनन भी करते ही हो, थोड़ा बहुत ही करते हो, लेकिन यत किंचित क्या है? मनन भी करते ही हो, लेकिन निधिध्यासन जब आपका मनन परिपक्व होगा तब क्या होगा? निधिध्यासन। जितना मनन की क्या बोलते उसको, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब लंबा समय जी, निरंतर। तो जितना मनन की वो क्या बढ़ेगी? तत्परता। हाँ, निरंतरता। क्या? जितना आपका मनन निरंतर होगा, जितना लंबा समय होगा, जितना दीर्घ अवधि होगा, दीर्घ काल होगा, तो फिर वो मनन ही क्या हो जाएगा? निधिध्यासन रूप में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा, सार सार रह जाएगा है? जैसे कोई व्यक्ति है, लेकर के आया बहुत बड़े ड्राम भर करके दूध,
और भट्टी जलाई, कढ़ाई चढ़ाई, दूध उसमें डाला और खूब उसको हिलाया और कितना बन गया, थोड़ा सा, और फिर यूं लटका करके जाता है। तो पहले अनंत शास्त्र है वो श्रवण किए, क्या किया, अनंत शास्त्र श्रवण किए, कोई संशय ना रह जाए, खूब अच्छे से देख लिया है। उसके पश्चात फिर मनन किया, तो मनन के बिंदु तो कितने होंगे, थोड़े ही होंगे, 10-20-50-100 होंगे, हैं? आशा का त्याग, ममता का त्याग, लोभ का त्याग, स्वार्थ का त्याग, कपट का त्याग, द्वेष का त्याग, क्रोध का त्याग, काम का त्याग, अहंकार का त्याग, दृश्य में सुख बुद्धि का त्याग, इस प्रकार से क्या होंगे, मनन के बिंदु ये सब होंगे। ये दृश्य असार है, मिथ्या है, ये सब मनन के बिंदु। लेकिन फिर मनन होते होते फिर बस क्या रह जाएंगे, वही चार बिंदु रह जाएंगे जो बताए हुए हमने, 3-4 बिंदु। ये दृश्य असार है, ये दृश्य मिथ्या है, ये देह आदि जो जड़ उपाधि है ये मैं नहीं हूं, मैं साक्षी हूं और मैं ब्रह्म रूप। ये 4-5 बिंदु रह गए। उसके पश्चात ये मनन कर रहा है, मनन हो गया, खूब घोटा गया, तो ये सार निकल करके आया। अब ये सार रह गया कि मैं क्या हूं, मैं साक्षी चेतन आत्मा। तो ये रह गया, ये निधिध्यासन है, ये क्या हो गया, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये क्या है, निधिध्यासन आ गया। मनन का फल श्रवण का फल मनन, मनन का फल निधिध्यासन, मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति रह गई, ये क्या हुई, निधिध्यासन हो गई। उसके पश्चात जो मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति बनी हुई है, इसमें वृत्ति विलय हो गई और अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, उसमें ही वृत्ति विलय हो गई। ये क्या हुआ, निर्विकल्प समाधि कहो, अपनी स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव ये हो गए। तो बिंदु कितने, अभी देखो जब आप श्रवण करते हो, जगत में रहते हो तो कितना कुछ फैला हुआ है, हैं? मनन करते हो तो धीरे धीरे संकुचित होने लगता है, क्या होने लगता है, फिर निधि ध्यासन करते हो तो बस एक ही रह गया, क्या रह गया, एक ही रह गया कि मैं साक्षी, मैं चेतन, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, एक ही रह गया। और फिर उसमें ही वृत्ति विलय हो गई, तो एक भी नहीं कहेंगे, अद्वैत कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे, केवल कहेंगे, क्या हो गया, केवल, केवलता आ गई। इसी को निर्वाण पद कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, निर्वाण, निर्वाण पद कहते हैं। तो ये आ गई, तो यूं होता चला जाता है, ये क्या होता गया, इस प्रकार से जो अपना चिंतन है, अनुभव है, वो सूक्ष्म होता चला, स्पष्ट हो गया। निधिध्यासन से भी आगे बढ़ो, श्रवण में संतुष्ट मत रहो, मनन करो, फिर निधिध्यासन। अभी तक आपके लिए उपदेश क्या है, क्या करो, निधिध्यासन करो। कि महाराज निर्विकल्प समाधि का क्यों नहीं कर रहे हो, पहले ये कर लो वो हो जाएगा, कोई तो बताया जाएगा ना। कोई पूछे कि जी बद्रीनाथ जाना है कि पहले ऋषिकेश पहुंच, हरिद्वार में खड़ा हुआ है, पूछ रहा है कौन सा रास्ता बद्रीनाथ जाएगा, तो बता दिया ऋषिकेश, कि वहां आगे अपने आप लिखे मिलेंगे बोर्ड, आगे से आगे रास्ता चलते जाना, तो पहले कहाँ पहुंच, ऋषिकेश तो पहुंच, तो वैसे ही पहले कहाँ पहुंच, निधिध्यासन में पहुंच, कि मैं ये जड़ देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण जो ये जड़ दृश्य उपाधि है ये मैं नहीं हूं, साक्षी हूं, चेतन आत्मा, ये निश्चय करो, ये चिंतन, ठीक है। तो ये तो हो गया, आगे वाला बताएं, आगे वाला तो सुनी लो आप लोग।
निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम् ब्रह्म तत्त्वमवगम्यते ध्रुवम् नान्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्यांतरा विमिश्रितं भवेत्। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्वं अवगम्यते ध्रुवं न अन्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्यांतर विमिश्रितं भवेत्। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम्, इस प्रकार निर्विकल्प समाधि के द्वारा स्पष्ट रूप से ध्रुवम ब्रह्म तत्त्वम अवगम्यते, निश्चित रूप से जो ब्रह्म तत्व है उसका प्राप्ति हो जाती है। क्या होती है? उसकी प्राप्ति, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो ही गई। क्या होगी? निर्विकल्प समाधि और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति दोनों अलग अलग नहीं है क्या? वो थोड़ा समझाने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करने के लिए विस्तार पूर्वक बतला रहे हैं, है ना। तो देखो, निर्विकल्प समाधि ना, जो निर्विकल्प समाधि हो गई है, इसके द्वारा क्या होते, ब्रह्म तत्वम ध्रुवम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते स्फुटम, स्पष्ट रूप से निश्चित रूप से क्या होता है, ब्रह्म तत्व तत्वम अवगम्यते, ब्रह्म तत्व का प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। फिर महाराज इतना परिश्रम इसके लिए ही करना है क्या? किसी और तरह से हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कहते हैं ना अन्यथा मनोगते चलताया। अन्य अवस्थाओं में क्या होता है, आपका मन चंचल रहता है, हर समय क्या रहता है, चंचल रहता है। तो जिसका मन चंचल है उनके ना अन्यथा ब्रह्म तत्त्वम अवगम्यते, ऐसे चंचल मन के द्वारा ब्रह्म तत्व का प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? प्रत्यांतर विमिश्रितं भवेत्। क्योंकि अन्य अवस्थाओं में क्या होता है, जब मन आपका चंचल होता है तो अन्य जो प्रत्यय है, अन्य जो प्रतीति है, जो ज्ञान है, ज्ञान प्रत्यय जो ज्ञान है, तो अंतर माने दूसरा, तो अन्य ज्ञान क्या होते हैं, विमिश्रितम, उसमें क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा आप अपने आप को जानते हो, तो आप कहते हो हाँ मैं जानता हूँ, मैं हूँ, लेकिन इस मैं में क्या क्या मिला हुआ है? इसमें चिदाभास मिला हुआ है, इसमें अंतःकरण मिला हुआ है, इसमें इंद्रिया प्राण शरीर मिला हुआ है, और इनके धर्म मिले हुए हैं। जो अभी आप जानते हो जिसको मैं है, उसमें क्या है, सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है ना। अब जैसे धान है, अब आपको चावल बनाने भूख लगी है, धान काट के लाए, हांडी में डाला, पानी डाला, उबाल दोगे, चावल बन जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? सुखाना पड़ेगा, फिर उसको पीटना पड़ेगा, उससे छिलके को अलग करना होगा, उसके पश्चात ही उसको झाड़ करके, पूंछ झाड़ करके, उड़ा करके, तब क्या मिलेगा, उसी को तो पकाऊंगे ना, मिले हुए को पकाऊंगे। इसमें क्या है, भूसा भी है, उसका धान की छिलका भी है, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है,
मिट्टी भी है कंकड़ भी है, तो वो क्या बना के रख दिया, भाई तू ऐसा कर रहने ही दे, तू मत बनाया कर, जब तू रोज पत्थर ही उबालने है तेरे को तो ऐसा चाहे तू रहने ही दे, साफ करना चाहिए ना साफ वैसे ही। तुम आप क्या कहते हो मैं, तो इस मैं में क्या क्या मिले हुए, चिदाभास अंतःकरण इंद्रिया प्राण शरीर और इनके धर्म, मोटा पतला बूढ़ा जवान है, बुद्धिमान बुद्धिहीन है, बहुत देखने वाला बहुत सुनने वाला, ये सब क्या है, ये सब उपाधि और उपाधि के धर्म किस में मिल गए, मैं में मिल गए, अलग कर लो ना, इतनी सी बात भी नहीं आती, क्या करो हैं? ये रोज वहां जब दुकान पे जा करके और बिस्किट नमकीन बेचोगे तो कहां से समझ में आएगी, क्यों जी? फिर बेचना, बेचना किसको चाहिए, अज्ञानी को, या फिर मतलब व्यवहार किसको करना चाहिए, या तो अज्ञानी को या ज्ञानी को, साधक को नहीं करना चाहिए, व्यवहार किसको करना है, ज्ञानी को या अज्ञानी, अज्ञानी तो करते ही है, और ज्ञानी व्यवहार करे, लोक शिक्षा परोपकारार्थ करे तो करे, प्रारब्ध हो तो, लेकिन वो कर कौन रहा है, उसको पता है ना कर कौन रहा है, शरीर कर रहा है, इंद्रिया कर रही है, प्राण अंतःकरण, उसको पता है ना असल में, आपको पता नहीं है, नहीं कर रहे हैं, ये कहते मैं कर रहा हूं, कर रहा है कौन, प्रकृति, और आप क्या कहते हो, कमाल की बात है, अभी बारिश हो रही है, कितना पानी आपने एक गमले में पानी दे दिया ना, इतना अहंकार करोगे कि आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि भाई आप रहने दो, आप मत दिया करो, अब ये प्रकृति है सारी धरती पर पानी दे रही है, अहंकार है ना, सारी धरती पर जो पानी दे रही है कौन दे रही है, प्रकृति दे रही है, और थोड़े से में यदि आपने किसी को एक बूंद भी डाल दिया ना, मेंढक वो चींटी जो है ना वो बेहोश पड़ी थी, मैंने जो है ना एक तिनके लेकर के थोड़ा पानी दिया, उसने पानी पिया और वो बताइए कमाल है ना, आ गया ना अहंकार, जबकि प्रकृति में और इतना कुछ तो आपके शरीर पर, जिस शरीर को मैं कह रहे हो इस प्रकृति में पलक कौन झपक रहा है, श्वास कौन ले रहा है, सब अपने आप हो रहा है ना, इतने जो हमारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं असंख्य, वो ये कहता है कि 10 साल में तो पूरा का पूरा शरीर ही अलग हो जाता है, इसका एक एक परमाणु बदल जाता है शरीर का, अपने आपको पता है अपने बदलता है, इस शरीर का एक एक परमाणु बदल जाता है 10 वर्ष में, ऐसा मैंने सुना था, तो इतना कुछ हो रहा है, भोजन का पचना हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, और बाकी इतने रस बन रहे हैं, रस से रक्त बन रहा है, मांस अस्थि मेद मज्जा आदि सब सब बन रहे हैं, आप कर रहे हो, फिर किस बात का, थोड़ा सा कुछ कर देते हो तो उसका अहंकार कर लेते हो, तो ये है भाई मैं मिला लिया इसमें, तो अज्ञानी तो करता ही है, ज्ञानी करता है है? और करते हुए भी अकरता है, करते हुए भी क्या है, अकरता है, वो जान रहा है ना मैं करने वाला नहीं हूं, मेरी सत्ता से हो रहा है, और हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है उसको भी मैं जान रहा हूं, अभी जो हवा बह रही है इसको पता है क्या, ये जो पानी में तरंग आ रही है और किनारे में रेत बढ़िया तरह से साफ कर रही है, वो जानती है कितनी बढ़िया झाड़ू लगाई उसने, कौन जान रहा है, मैं जान रहा हूं ना, जानने वाला कौन है, भाई शरीर कर रहा है नहीं कर रहा है कौन जानता है, मैं जानता हूं, इसके मन कर रहा है नहीं कर रहा है कौन जान रहा है, ये करते हुए भी इनको नहीं पता है, करते हुए भी इनको नहीं पता है क्योंकि ये जड़ है, मेरी सत्ता से ये सब हो रहा है, और इन सब होने को भी प्रकाशने वाला मैं हूं, होने को न होने को, उस क्रिया को, उस क्रिया के करण को, उस काल को, उस देश को, सबको जानने वाला, सबका प्रकाशक मैं हूं, चिंता की क्या बात है, चिंता की बात है, तो ज्ञानी भी करें, मतलब ज्ञानी क्या करे, ज्ञानी की उपाधि कर रही, ठीक है, और अज्ञानी तो उपाधि से अज्ञानी है ही, साधक को दूरी बनानी चाहिए, तो समझ आया जी, हाँ नमकीन बिस्किट नहीं बेचने चाहिए
हाँ कहने का भाव है, देखो जी समझ आया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन मैंने देख लिया था, घूमते हुए हम आ रहे थे, क्योंकि दिन में तो निकलना होता नहीं है कभी, यानी एक दिन कैसे, हाँ यूँ भ्रमण के लिए निकल गए थे संध्या के समय, तब देखा है तो भाई लगे हुए हैं, ठीक है ये स्पष्ट हो गया। निर्विकल्प समाधि के द्वारा स्पष्ट रूप से निश्चित ही निश्चय ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है, और अन्य मन की चंचलता होने के कारण से अन्य प्रकार से नहीं ब्रह्म तत्व का प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत। उन जब मन चंचल होता है तो उसमें अन्य वस्तु पद पदार्थ की जो प्रतीति है, ज्ञान है, उनका व्यवधान होने से, उनका मिश्रण होने से अपने ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्ति नहीं, सुषुप्ति में नहीं होगी, क्योंकि उस समय आपका चित्त तमोगुण से अभिभूत है, अंधेरे में डूबा हुआ है, सुषुप्ति में नहीं होगी, स्वप्न में भी नहीं होगी क्योंकि चंचल है, स्वप्न में भी नहीं होगी, जागृत में भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अत्यंत चंचल है। कब होगी, मन को समाहित करो, जिसका चित्त दृश्य से हट गया है, दृश्य से हट गया है और अपने स्वरूप में ही टिक गया है, शांत हो गया है, ऐसे चित्त को ही, ऐसे निर्विकल्प समाधित चित्त को ही ब्रह्म तत्व की अनुभूति कहिए प्राप्ति होती है। स्पष्ट, बाकी का विचार कर। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।